वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं विच इज शार्पे रेशियो, ट्रेनिंग रेशियो एंड जेनसन्स अल्फा। अब ये कंसेप्ट ना हमारा पोर्टफोलियो में भी आता है और म्यूचुअल फंड में भी आता है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोग को, आप जो भी चैप्टर कर रहे हो उसमें अगर आपको ये कंसेप्ट को रेफर करना है तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसके तीन चार क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अभी म्यूचुअल फंड से कराऊंगे बट लेकिन ये कंसेप्ट के बेसिस पे आप पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। सो अब इन रेशियोज को डिस्कस करने से पहले हम लोग तीन चीजें डिस्कस करते हैं जो कि हमें इसमें काम आएंगी। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड इज बीटा एंड थर्ड इज अल्फा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है, प्लस वन में भी पढ़ा है। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? इज द वैल्यू ऑफ फंड अमाउंट बाय विच returns may go up or down in correlation with its mean. मतलब उसके mean के according हमारी जो return है वो कितनी ऊपर और कम जो हो रही है उसको हम standard deviation बोलते हैं। मतलब standard deviation जो है वो movement को एक तरह से carry करता है कि movement कितनी हो रही है एक चीज के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है beta। beta क्या होता है? beta हमारा closely correlable होता है टू इट्स इंडेक्स। मोस्टली हमारे पास जो इंडेक्स होता है ना वो मार्केट होता है, जो मार्केट की वैल्यू है वो कितनी अप और डाउन जा रही है वो हमें बताता है बीटा। तो एक है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि रिटर्न जो है मेरी कितनी अप जा रही है कितनी कम हो रही है वो सब हम बीटा की हेल्प से पता लगाते हैं। थर्ड इज अल्फा। अल्फा क्या होता है कि जो भी मेरा अमाउंट बीटा ने प्रिडिक्ट किया है उसके ओवर एंड अबव जितना अमाउंट है दैट इज अल्फा। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए ताकि हम आगे इसको स्टडी कर पाए। अब अगर जब हमारे पास ये क्लियर हो गया उसके बाद हमें एक बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट पता है। बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर हमें ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और जितनी ज्यादा रिटर्न होंगी उतनी ज्यादा बेटर मेरी इन्वेस्टमेंट्स है। राइट, तो अब जितनी ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट्स है, अब मेरी जितनी ज्यादा रिटर्न होगी उसमें मेरे को लगेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लेकिन वो जो बेटर रिटर्न्स दे रही है और जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क भी तो ज्यादा हो सकता है ना, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिटर्न दे रही है। तो बेटर इन्वेस्टमेंट्स और बेटर रिटर्न्स कैन लीड टू हायर रिस्क। अब हमें दोनों को फैक्टर्स को कंसिडर करके अपना जो है इंडेक्स को निकालना पड़ेगा और इसीलिए हमारे पास ये तीन रेशोज है जो कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को कवर। सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज शार्पे रेशो। शार्पे रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी सिंपल और मैं भी आपको समझाती हूँ। इसमें हमें बेसिकली रिस्क और रिटर्न दोनों को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला हमें क्या कहता है? एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो और द म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना दैट इज कंसिडर्ड एज माय टोटल रिस्क। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेरा टोटल रिस्क की तरह माना जाता है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरी एडिशनल रिटर्न है रिस्क फ्री रिटर्न से, रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है जो कि मेरे को बॉन्ड से या फिर एफडी वगैरह जो भी मेरी फिक्स रिटर्न है ना वो तो मेरे को मिलनी ही मिलनी है। मान लो मैंने 10,000 इन्वेस्ट करे तो अगर मैं किसी बॉन्ड्स में जिसमें मेरे को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है तो मेरे को 10% रिटर्न मिलनी ही मिलनी है, तो वो मेरा रिस्क फ्री रिटर्न रहेगा। एवरेज रिटर्न मतलब कि पोर्टफोलियो मुझे कितना कमा के दे रहा है, तो मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न जो मिल रही है इस पोर्टफोलियो से डिवाइड बाय रिस्क, ये मेरे को क्या देगा? शार्पे रेशो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज ट्रेनर रेशो। ट्रेनर रेशो में क्या होता है, मतलब सेम शार्पे रेशो जैसा ही है लेकिन इसमें जो हम डील करते हैं ना दैट इज विद द सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क। आपने शायद पढ़ा भी होगा, वन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क एंड वन इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ना दैट इज बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, और वो जो भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ठीक है, लाइक इंटरेस्ट रेट या फिर इन्फ्लेशन, ये सब फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि हमारे हाथ में होते हैं, लाइक जो लेबर है हमारी बिजनेस की या फिर जो भी हमारी सैलरी बेस है
व्हाटएवर स्टाफ जो भी है, मतलब जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मेरे बिजनेस के अंदर है वो सब फैक्टर्स. तो ये सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क. ट्रेनर रेशियो क्या डिटरमाइन करता है? पर यूनिट ऑफ रिवॉर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है, तो इसको हम रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो भी बोलते हैं. तो सेम फॉर्मूला है इसका, वो बोला कि आर पी माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा. बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है, आर पी क्या है? एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. और आर एफ क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न. तो इस तरह से मैं अपनी ट्रेनर रेशियो को निकाल सकती हूँ. ट्रेनर रेशियो क्या हुई? बेसिकली रिवॉर्ड बेस्ड ऑन पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. तो ये मेरी आएगी ट्रेनर रेशियो. सो जो थर्ड रेशियो है ना हमारे पास, दैट इज कॉल्ड जेनसन्स अल्फा. ठीक है, अब हमने दो चीजें पढ़ ली. अब अल्फा का मतलब मैंने आपको बताया कि अल्फा क्या होता है. बीटा के अलावा जो भी रिटर्न हमारे पास जनरेट होती है ना, दैट इज कॉल्ड अल्फा. तो बीटा की हेल्प से हम एक और रेशियो निकालते हैं, दैट इज फ्रॉम कैपम मेथड. राइट, सबने पढ़ा हो इसके बारे में, कैपम मेथड के बारे में. ठीक है, तो कैपम मेथड में रिटर्न कैसे निकलती है? कैपम मेथड में रिटर्न निकलती है आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, जिसमें ये मेरी क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न है. ये मेरा बीटा है, ये रिटर्न ऑफ मार्केट, और ये मेरा रिस्क फ्री रिटर्न. ठीक है, अब इसके अलावा जो मेरी रिटर्न जनरेट हो रही है ना, उसको हम जेनसन्स अल्फा बोलते हैं. ठीक है, तो मेरी इसके अलावा क्या रिटर्न होगी? एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड माइनस कैपम, ये मेरी आ जाएगी जेनसन्स अल्फा. ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास. कैपम का फॉर्मूला हमको पता है. तो इसमें से हमें बस एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में से ये माइनस करना है, तो हमारे पास जेनसन्स अल्फा आ जाएगा. इसका मतलब समझ आ गया ना आप लोग को कि इसमें हमें क्या निकालना है? जो भी एक्सेस रिटर्न जो भी मेरी जनरेट हो रही है ओवर एंड अबव, जो कि मेरी सिस्टमैटिक रिस्क से मेरी रिटर्न जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड जेनसन्स अल्फा रेशियो. ठीक है, तो ये हो गया. अब आपको एक बात और, आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी एक चीज है कि हमारे सब्सक्राइबर अभी तक सिर्फ मेरे 280 तक पहुंचे हैं. या इतनी वीडियोस बना रहे हो, कम से कम उसको 300 तक तो ले आओ, और टारगेट 500 है. अगर आपको फॉर्मूला बुक चाहिए तो ये सब्सक्राइबर्स के लिए आपको 500 तक लेके आनी पड़ेगी, तभी आगे की वीडियोस हमारे और कंटिन्यू होती रहेगी.